जय हिंद इंकलाब जिंदाबाद। आई एम GGWH गौरव एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग बताएंगे कि मेरा स्कूल लाइफ कैसा था, मतलब कौन सा स्कूल में हम एडमिशन लिए थे, कौन सा स्कूल में हम मैट्रिक दिए, कौन सा स्कूल में हम इंटर किए, कौन सा कॉलेज में ITI किए, कौन सा यूनिवर्सिटी से हम BCA किए, सब कुछ हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताएंगे। आ चुके हैं छत पर और अब हम आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताते हैं कि मेरा स्कूल लाइफ कैसा था। सबसे पहले मेरे बाबा हम लोग गाँव का जो मिडिल स्कूल है बंगाली मीडियम, वहाँ एडमिशन करवाए थे। फिर वहाँ हम एक साल पढ़े, फिर मेरे बाबा उड़ीसा चल गए जॉब करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मेरे बाबा हम लोग का निरसा, जो हम लोग का धनबाद एरिया में निरसा नाम का एक जगह है, वहाँ पर जॉब करते थे SSC कंपनी में। वो SSC कंपनी सीमेंट नहीं, आयरन बनता था पत्थर से उस कंपनी में। लेकिन वो कंपनी जब ट्रांसफ़र हो गया उड़ीसा, तब मेरे बाबा भी उड़ीसा चल गए और हम लोग को, मतलब हमको, मेरे माँ को भी उड़ीसा लेके गए। मतलब एक साल बंगाली मीडियम पढ़ने के बाद, एक साल पढ़ लिए हम लोग गांव का स्कूल में, फिर गए हम उड़ीसा। तो वहाँ पहुँचने के बाद सामने में, मतलब जहाँ पर घर था हम लोग का जुरुडी में उड़ीसा में, वहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में एक उड़िया मीडियम था, वहाँ जाकर हमको एडमिशन करवाए। तो वहाँ पर पढ़े हम वही 6 महीना 1 साल ऐसे ही कुछ। उसके बाद मेरे बाबा बोले कि सब जगह तो उड़िया नहीं रहेगा, यहाँ उड़ीसा है बोल के उड़िया पढ़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में हमको फिर से एडमिशन करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम में जब हम एडमिशन लिए तो वहाँ पर भी हम 6 महीना 1 साल जैसे पढ़े, फिर घर से आने जाने में दिक्कत हो रहा था इंग्लिश मीडियम, क्योंकि घर से मेरे जुरुडी से जुड़ा, आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। वहाँ पर कोई और इंग्लिश मीडियम का लड़का था ही नहीं, मतलब स्टूडेंट था ही नहीं। तो फिर वहाँ से भी हम एडमिशन करवाने के बाद 1 साल पढ़ने के बाद फिर निकल गए वहाँ से। फिर मेरे बाबा हिंदी मीडियम में हमको, वहाँ पर भी उड़ीसा में भी हिंदी मीडियम था जोड़ा में, वहाँ पर हमको एडमिशन करवा दिए। वहाँ पर करवाएं तो वहाँ पर हम पढ़े ठीक को ही आपका 6-7 महीना या 1 साल ऐसे ही कुछ, याद नहीं आ रहा, छोटा का समय था उतना याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर हम 6 महीना 1 साल जैसा पढ़े और वहाँ पर हमको सुविधा आने जाने का ये था कि जिस जगह में हम जुरुडी में रहते थे वहाँ पर दीदी बहुत सारी थी, फिर मेरा दोस्त था उस हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, तो उसी के साथ जाना आना था मेरा, तो बहुत ही इंजॉय भी करते थे जाने आने में, फिर पढ़ाई करने में सुविधा होता था, मैंने कोई टेंशन नहीं था। फिर वहाँ से मेरे बाबा बोले कि नहीं, अब वहाँ का जो जुरुडी का जो, मतलब जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ पर मेरे बाबा जब जिस कंपनी में काम करते थे SSC कंपनी में, उस कंपनी में अब हालात थोड़ा गड़बड़ा रहा था, मतलब कहीं और ट्रांसफ़र होने वाला था। तो मेरे बाबा बोले कि चलो घर चलते हैं, फिर हम यहाँ रहेंगे, जब ट्रांसफ़र होगा फिर ले जाएंगे कहीं, जहाँ ट्रांसफ़र होगा वहीं ले जाएंगे, मेरे माँ को और हमको बोले। तो हम लोग फिर घर आ गए। फिर घर आने के बाद मेरे बाबा हम लोग का जो नियरेस्ट मार्केट है, हम लोग गाँव का नियरेस्ट मार्केट, वहाँ पर एडमिशन करवा दिए सिंदरी पब्लिक स्कूल में। आप लोग हम दिखाए भी हैं, जो देखे हैं वीडियो वो तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हम लोग का बलियापुर मार्केट कैसा है, उसमें दिखाए हुए हैं कहाँ पर सिंदरी पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर हमको एडमिशन करवा दिए सिंदरी पब्लिक स्कूल में। फिर वो सिंदरी पब्लिक स्कूल में 1-2 साल पढ़े, फिर वही सिंदरी पब्लिक स्कूल झारखंड पब्लिक स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया, मतलब नाम को चेंज कर दिया गया। और वो जगह भी हम आप लोग दिखाए हैं, बलियापुर मार्केट हम लोग का जिस जगह में है उस वीडियो में, कि कहाँ पर झारखंड पब्लिक स्कूल है। झारखंड पब्लिक स्कूल में हम सीधे 1 से लेकर, मतलब सिंदरी पब्लिक स्कूल से बोल रहे हैं हम, सीधे 1 से लेकर 9 तक पढ़े। फिर 9 जब ख़त्म होने वाला था, मतलब 9 का एग्ज़ाम देने के बाद 10th में जाएंगे, उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया हम लोग का, पूरा 9th क्लास, ऑल 9th क्लास का स्टूडेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा जिस जगह में हम पढ़ते थे झारखंड पब्लिक स्कूल, उस समय वो एफिलेटेड नहीं था, और बोला गया था हम लोग का जो चेयरमैन है उनका लड़का, बोले थे कि हम लोग CBSE बोर्ड से हम लोग नहीं करवा पाएंगे, मतलब हम तो झारखंड पब्लिक स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, क्योंकि उड़ीसा से आने के बाद मेरे बाबा सीधे इंग्लिश मीडियम में झारखंड पब्लिक स्कूल में एडमिशन करवा दिए थे। तो बोले हम लोग CBSE बोर्ड में इन लोग को एग्ज़ाम दिला नहीं पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एफिलेटेड नहीं है। तो ऐसे ही प्रॉब्लम के लिए हम लोग निकल गए वहाँ से। फिर हम लोग जो 9 का स्टूडेंट थे, हम लोग मेरे जितने क्लास फ्रेंड थे सभी इधर उधर छिटक गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर। और हम झारखंड पब्लिक स्कूल से, मतलब 9 साल पढ़ने के बाद, और सबसे पहला हम लोग का गांव का झारखंड पब्लिक स्कूल में पहला स्टूडेंट हम थे। और वो उसके बाद, मतलब और भी मेरे गांव से एडमिशन होने लगा स्टूडेंट, और पढ़ने लगा, और अभी भी पढ़ रहे हैं जो जो
मैट्रिक दे दिए हैं, अभी अफिलेटेड हो चुका है झारखंड पब्लिक स्कूल, तो उस समय हुआ नहीं था तो हम निकल गए। फिर सभी हम लोग क्लासमेट सभी निकलने के बाद जो जहाँ पर मिला वहाँ एडमिशन हो गए। और हमको 9 में क्या था इंग्लिश मीडियम में कि पहले 9 में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, फिर 10th में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था, मतलब 9th पढ़ने के बाद। तो उस समय मेरे माँ और बाबा बोले कि फिर से 9 पढ़ोगे, तो इसीलिए हम सीधे चल गए थे हागू महतो स्कूल, मतलब कापुरिया में है हम लोग धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ही, वहाँ जाकर हम पढ़े और वहाँ से मैट्रिक दिए। उसके बाद वहाँ मैट्रिक देने के बाद सीधे चल गए हम इंटर दिए, इंटर दे दिए हम जमशेदपुर से। जमशेदपुर से इंटर देने के बाद हम फिर घर आ गए। हम मतलब रेगुलर में ही थे लेकिन घर से पढ़ाई कर रहे थे और एग्ज़ाम दे रहे थे हम जमशेदपुर में, सीबीएसई बोर्ड था वो भी। उसके बाद हम इंटर देने के बाद हम देख रहे बैठे थे घर में, तो हम मेरे बाबा बोले कि आईटीआई करोगे, हम बोले ठीक है बैठे हुए हैं तो आईटीआई कर लेते हैं। फिर हम रहमान अंसारी सर का जो आईटीआई का हम दिखाएं कि किस जगह में, हम लोग सिंदरी में आईटीआई कॉलेज है उसी जगह में हम आईटीआई किए, वहाँ पर एडमिशन लिए और वेल्डिंग का आईटीआई हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद वहाँ जब एक साल का वेल्डिंग का कंप्लीट हो गया आईटीआई, फिर हम बीसीए में एडमिशन ले लिए डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में वो यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एडमिशन किए। फिर वहाँ से पढ़ाई किए, उसके बाद आज हम सब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद अभी जॉब का तलाश में है। और मेरे बाबा हमको इतना स्कूल पढ़ाने के बाद माने बेटर टू बेटर स्कूल चूज़ करके हमको पढ़ाएं, ऐसे बात नहीं कि पढ़ाए नहीं। जो हम उड़िया मीडियम में पढ़े थे उस समय कोई ऑप्शन नहीं था, सामने था तो जाने आने में सुविधा था, बोल के उड़िया मीडियम में भर्ती किया, फिर इंग्लिश मीडियम में ही भर्ती किए, बोले कि अच्छा पढ़ाई होगा, लेकिन आने जाने दिक्कत के कारण फिर से हिंदी मीडियम में करवाएं। फिर जब हम अपना गांव आ गए उड़ीसा से तो हमको फिर से इंग्लिश मीडियम में ही भर्ती किए, मतलब बेटर एजुकेशन दिए हैं मेरे बाबा हमको। और बात यह है कि जिस समय बोलिएगा कि गांव के स्कूल में काहे एडमिशन करवा दिए थे, तो उस समय आसपास में कोई इंग्लिश मीडियम था ही नहीं उस समय, जिस समय हम गांव के इंग्लिश बंगाली मीडियम हमको एडमिशन करवाए थे उस समय था नहीं, इसीलिए। लेकिन जब उड़ीसा से आए तो हम लोग बलियापुर मार्केट में इंग्लिश मीडियम आ चुका था स्कूल, तो उसी में हम लोग हमको डायरेक्ट एडमिशन करवा दिए थे। और ऐसे करके पढ़ाई हमको करवाएं, और उसके साथ साथ मेरे बाबा हमको डांस भी सिखाएं, और डांस एक नहीं दो फॉर्म सिखाएं, एक क्लासिकल भी और वेस्टर्न भी, दोनों डांस हमको कम्प्लीटली सिखाए हैं। क्योंकि क्लासिकल डांस में भी हम पूरा डिप्लोमा किए हुए हैं, और वेस्टर्न डांस में तो मेरा छोड़ दीजिए, मतलब बहुत साल का एक्सपीरियंस है, मतलब दोनों डांस में भी कभी कमी नहीं करवाए हैं मेरे बाबा। उसके बाद कराटे में भी हमको कमी नहीं करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट खिलवाए हैं, स्टेट खिलवाए हैं, नेशनल खिलवाए हैं, मतलब टूर्नामेंट जो डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट वो भी खेले हैं बाबा के बदौलत, स्टेट खेले हैं बाबा के बदौलत, नेशनल भी खेले हैं बाबा के बदौलत हम टूर्नामेंट खेले हैं। उसके बाद कराटे में ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डाउन भी किए 2014 में, फिर कराटे में ब्लैक बेल्ट सेकंड डाउन भी किए 2016 में। मेरे बाबा पढ़ाई में भी कमी नहीं करवाएं, डांस में भी कमी नहीं करवाएं, कराटे में भी कमी नहीं करवाएं, मतलब सब में ए टू जेड है। और मेरे बाबा एक मतलब छोटा सा कंपनी था उस समय एसएससी कंपनी, फिर रिटायर हो गए थे, फिर फैमिली में रहने लगे, फैमिली मेम्बर बन के, आप लोग तो बहुत सारे वीडियो में दिखाएँ कहाँ पर क्या है, और कभी उड़ीसा जाएंगे तो किस जगह में मेरे बाबा का कंपनी था वो भी मैं आप लोग इस वीडियो मतलब वीडियो में दिखाएंगे। जिस समय हम जुरूडी जाएंगे कभी तो हम आप लोग दिखाएंगे कहाँ कौन सा घर में हम लोग रहते थे जुरूडी में, फिर कौन सा कंपनी में हम मेरे बाबा काम करते थे, सब कुछ हम दिखाएंगे। तो मेरे बाबा मतलब हमको कभी कमी का महसूस नहीं होने दिए, मतलब मेरे बाबा का सैलरी कम था लेकिन कभी मतलब महसूस नहीं दिए कि ये कम है ये ज़्यादा है, मतलब जो मेरा काबिलियत है वो करने दिए हैं और पूरा करवाए हैं। और इसके बाद बीसीए तो कंप्लीट हो चुका है मेरा, मेरे बाबा बोलते कि एमसीए भी पढ़ोगे तो पढ़ो तुमको हम पढ़ाएंगे, हम बाबा को बोले थे कि ठीक है एमसीए हम पढ़ेंगे लेकिन जॉब के साथ साथ, मेरा एक्सपीरियंस भी मेरा होगा और डिस्टेंस से हम एमसीए करेंगे। लेकिन बाबा एक बार फिर से भी बोले थे कि एमसीए अगर करोगे तो अगर बिना जॉब करे भी
मतलब बिना जॉब करते हुए भी तुम करोगे तो कर लो एमसीए, उसके बाद जॉब पकड़ना। तो हम बोलते नहीं, जॉब भी करेंगे एमसीए भी डिस्टेंस से करेंगे। तो मतलब मेरे पापा किसी चीज़ का कमी नहीं दिए हैं, और मेरा यही रहा स्कूल लाइफ कि कैसा मेरा स्कूल लाइफ था। फुल डिटेल्स में हम आप लोग को बताएं। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और जो जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।